इमरान ने इस्तीफा नहीं दिया तो मार्चो, हम इस्लामाबाद का रुख करेंगे। This is the November, December, December, January, January, February, February. साल तो बता दे कौन सा है, 23 है, हमें कबूल है। लॉन्ग मार्च में और लॉन्ग मार्च में फर्क होता है। कंप्यूटर से निकाल के इस्तीफे बनाए हैं, उसका कोई हैसियत नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अपोजिशन इमरान खान की हुकूमत गिरा के किसी भी तरीके से इकदार में आना तो चाहती है, लेकिन क्यों आना चाहती है और इनका इनके पास क्या ऐसा प्रोग्राम है कि पाकिस्तान के हालात बेहतर हो जाएं, उसके ऊपर बात नहीं होती। आज एक बीबीसी ने आर्टिकल शाया किया हुआ है, तो मोहतरमा की शहादत के हवाले से एक डिटेल रिपोर्ट है जिसमें शुजा नवाज़ की किताब का भी हवाला है। तो शुजा नवाज़ लिखते हैं कि जब बीबी पाकिस्तान आ रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने शेडो गवर्नमेंट बनाई है, कोई प्रोग्राम या मुख्तलिफ पॉलिसीज़ आपकी क्या होंगी, हुकूमत अगर आपको मिल जाती है तो इसके ऊपर आप काम कर रही हैं। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसे पाकिस्तान में नहीं होता, हुकूमत में आएंगे, इकतदार में आएंगे तो देखेंगे फिर कैसे आगे चल रहे हैं। तो आम तौर पर पाकिस्तान में कोई भी तहरीक जो माजी में चली, इस्टेब्लिशमेंट की मदद से चली हो, आई जाए, तो उसका भी मकसद एक ही था कि बेनज़ीर को इकतदार से बाहर करना और नवाज शरीफ को हुकूमत में बैठाना। या इमरान खान जब डी चौक में धरना देकर 2014 में आकर बैठ गए थे तो उस वक्त भी रिफॉर्म्स के ऊपर कोई प्लानिंग या तैयारी नहीं थी, जिसका इजहार उन्होंने हाल ही में एक तकरीर के दौरान अपने वज़रा से कर दिया कि इकदार में आने से पहले तैयारी भी होनी चाहिए, क्योंकि तैयारी बिल्कुल नहीं थी। मुखालफीन के अंदर कीड़े निकालना बहुत आसान होता है, लेकिन हम कैसे पाकिस्तान को ठीक करेंगे उसका इदराक नहीं होता। जो सर्कुलर डेट पाकिस्तान में 1.3 ट्रिलियन था, 1300 अरब था, वो अब 2300 अरब पे पहुंच चुका है। ये सबसे बड़ी मिसाल के तौर पर तकरीरों के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बताया करती थी कि अगर हम इकदार में आएंगे तो टैक्स रेवेन्यूज 4000 की बजाय 8000 अरब आएगा, सर्कुलर डेट हम ख़त्म कर देंगे, और पता नहीं कितने लंबे लंबे दावे थे, उनमें से कुछ भी सच साबित नहीं कर सके। और वैसा ही कुछ हाल आजकल मुझे पीडीएम का नज़र आता है, जो ये तकरीरें कर रहे हैं कि वोट को इज़्ज़त दो, इलेक्शन रिफॉर्म कर देंगे, ये कर देंगे, ये वो सारी बातें हैं जो कहने को बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन इसके ऊपर अगर आपने अमली तौर पर कुछ करना चाहते हैं, डिलीवर करना चाहते हैं, तो उसका काम हुकूमत में आने के बाद शुरू नहीं होता, बल्कि उस वक्त शुरू होता है जब आज आप सड़कों के ऊपर हैं। इस वक्त आपकी तैयारी होनी चाहिए कि ये हमारा एक लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क है जहन में, ये रिफॉर्म एजेंडा है, इस तरीके से हम इलेक्टोरल रिफॉर्म लाएंगे, इस तरीके से एहतसाब का निज़ाम होगा, ये ब्रॉडर डायरेक्शन होगी इकॉनमी का। और बाय द वे, इकॉनमी की ब्रॉडर डायरेक्शन के ऊपर एक्सपेरिमेंटेशन नहीं होती, उसको आपने कंसिस्टेंटली आगे बढ़ाना होता है ताकि उसके अंदर कोई नीजर किस्म की रिएक्शन नहीं आए, कभी आप राइट हों कभी लेफ्ट हों, तो उसे फॉरेन इन्वेस्टर भाग जाता है पाकिस्तान से। तो वो चीज़ें मिसिंग नज़र आती हैं पीडीएम की तहरीक के अंदर, और पीडीएम ने अपने ऑब्जेक्टिव कैसे हासिल करने हैं उसके ऊपर भी बहुत सारे इश्यूज़ के ऊपर सवालिया निशान नज़र आते हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल की तकरीर सुनने के बाद पहले ये गौर करना पड़ता है कि कहीं इन्होंने इशारा किया कि इन्होंने इस्तीफे दे के बाहर आके डी चौक पर बैठना है, लॉन्ग मार्च करना है, या दोबारा इस्टेब्लिशमेंट का साथ देंगे और नारे तो मारते रहेंगे मरियम के साथ, लेकिन ऐन मौके के ऊपर पीछे हट जाएंगे। ये कुछ गुम गु वाली कैफियत पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में अभी भी मौजूद है। हो सकता है उनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के जो इजलास हैं कमिंग डेज़ के अंदर, उसके अंदर वो अपनी चीज़ों को क्रिस्टलाइज कर लें और ज़्यादा मोस्तर तरीके से आगे बढ़ जाएँ, लेकिन अभी तक मामला उनका 50-50 चल रहा है। मरियम नवाज़ या PMLN के पास कोई और ऑप्शन नहीं है, उनके पास कोई हुकूमत नहीं है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, जहाँ उनके पास सिंध हुकूमत मौजूद है जिसको वो छोड़ना नहीं चाहते। उनके पास जितने कौमी असम्बली के अंदर अरकान की तादाद है पीपल्स पार्टी के पास, अगर दोबारा इलेक्शन हो तो शायद उतने दोबारा उन्हें मिल भी ना पाए। PMLN की सोच यह है कि हम दोबारा पंजाब से जीत के तगड़ी पोजीशन में आके पंजाब हुकूमत बना सकते हैं, लेकिन अभी उनके पास पंजाब नहीं है जिसके ऊपर वो मुसलसल हुकूमत करते रहे तवील अरसा। नवाज शरीफ चीफ मिनिस्टर रहे, फिर भाई चीफ मिनिस्टर रहे, फिर प्राइम मिनिस्टर वो तीन दफ़ा रहे, तो वो उनका ख्वाब है कि हम पंजाब जीतें और फिर आ जाएं। इसलिए वो डू और डाई वाली, आर या पार वाली बैटल जो है सिर्फ नून तक महदूद है, या मौलाना फजलुर रहमान तक, जो शायद तवील अरसे के बाद पहली दफ़ा तो कश्मीर कमेटी के चेयरमैन भी नहीं है, कौमी असम्बली में भी नहीं है, और मिनिस्टर कॉलोनी में उनके पास घर भी नहीं है। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त पीडीएम के पास हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अलमिया ये है कि उनको गवर्नेंस इश्यूज़ के ऊपर जहां डिलीवरी दे के लोगों को खुश करना था और लोगों को ये यकीन दिलाना था कि हमारे में वो सलाहियत है कि पाकिस्तान के मसाइल का हल हम आपको दे सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे। तो आज के प्रोग्राम में इन दोनों इशूज़ को डिस्कस करेंगे। इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में हमारे साथ हैं सर वज़ीर आज़म के मामले खसूसी हैं और अताउल्लाह तारड़ PMLN से हमारे साथ हैं, दोनों को खुश आमदीद कहते हैं। सवाल जवाब करने से पहले जो तकरीरें हुई बड़ी गर्मा गर्म आजकल बातें बात बड़ी मज़े मज़े की सुनने में मिलती हैं, तो वो मैं आपको ज़रूर इसलिए सुनवाता हूँ कि उसमें कुछ सियासी चीज़ें सच्चाई के साथ भी आ जाती हैं और कुछ चुटकुले भी होते हैं, लेकिन उनको सुनना चाहिए क्योंकि सियासत का मिसाला जो है उसका भी एक अपना ही मिजाज है। मरियम की तकरीर पहले आपको दिखाते हैं जहाँ वो इल्ज़ाम आयद कर रही हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जनरल पाशा ने कैसे बनाया, दिखाइएगा जी।
सियासी कूड़ा इकट्ठा करके जनरल पाशा ने जमात बनाई जिसका नाम है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ, और फिर उस जमात को आपकी मुंतखब हुकूमत के खिलाफ धरनों और साजिशों में इस्तेमाल किया गया। शहबाज शरीफ साहब से मिलने के लिए खानदान वालों को हफ्ता हफ्ता इजाजत लेनी पड़ती है, लेकिन इनका मैसेंजर जो एनआरओ की भीख मांगने ये आते हैं तो इनके लिए जेलों के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, इजाजत की भी जरूरत नहीं पड़ती। तो मरियम नवाज की इस तकरीर के अंदर आपको दो चीज़ें सुनने में मिली, एक तो मोहम्मद अली दुरानी साहब ने वो जो ट्रैक टू का खुद साख्ता एक वो छोड़ा था, वो मेरे ख्याल में खासी हद तक इस तकरीर के बाद उसके ऊपर ढेरों मनो मट्टी पड़ गई होगी, क्योंकि इन्होंने कह दिया कि एस्टेब्लिशमेंट का वो पैगाम लेकर आए थे, ख़त्म हो गया उनका ट्रैक टू इसके बाद, इस बयान के बाद जब उन्हें यह कहा जाए कि आप एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम्बर बन के आए थे और आपको उधर से जवाब नहीं मिला। दूसरी चीज़, उन्होंने जनरल पाशा के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने पीटीआई इमरान खान ने बनवाई जैसे भी बनाई, उस वक्त जनरल पाशा को उसमें रोल नहीं था। 2011 का जो लाहौर वाला जलसा है उसके ऊपर कहा जाता है कि वो मीनार पाकिस्तान इतना जो बढ़ गया था, पूरे पाकिस्तान से इतनी तादाद में लोग मीनार पाकिस्तान पहुँच गए थे, उसके अंदर जनरल पाशा का रोल था। कितना रोल था ये तहरीक इंसाफ को पता होगा, लेकिन उससे भी बड़ा सवालिया निशान उठता है 2014 के धरने के हवाले से, जहाँ दोबारा शुजा नवाज़ ने अपनी किताब के अंदर तज़किरा किया कि उस वक्त के जो डी जी आए थे जनरल ज़हीर, उनका नाम लेकर और वो क्या पूरे एपिसोड का अनफोल्ड किया, उस चीज़ को पाकिस्तानी सियासत से बहरहाल दूर होना करना बहुत ज़रूरी है। आसिफ जरदारी साहब ने गुज़श्ता रोज़ जो तकरीर की उसके अंदर बहुत से जुमले और उन जुमलों के मानी अभी निकालने की कोशिश की जा रही है, आपको सुनाता हूँ फिर इसके ऊपर और बात करते हैं। कहा क्या उन्होंने, जरदारी साहब ने दिखाएगा जी, कुछ हमसे भी सीख लो, मैंने एक जनरल को प्रेसिडेंसी प्रेसिडेंट होते हुए उसको मक्खी की तरह दूध से निकाल दिया, तो आज भी हम इमरान खान क्या चीज़ है, नियाजी को हम निकाल सकते हैं मगर हमें सोच बदलनी होगी, हमने अपना तरीका बदलना होगा, हमने जेलें भरनी होगी और जेलें भरने के लिए हम तैयार हैं, हमें कोई मुजायका नहीं है जेलों में जाने के लिए, कराएं आप दोबारा इलेक्शन, निकालें अपने आप को वहां से, देखते हैं हम कि कौन जीतता है, हम देखते हैं कि कौन अवाम आपके साथ है या हमारे साथ है। अब जरदारी साहब के आप जुमले सुने तो वो बड़े मज़े के जुमले हैं, वो कहते हैं दोबारा आप करवाएं इलेक्शन, देखते हैं कि आप जीते हैं या हम जीते हैं, फिर वो कहते हैं जेलें भरनी पड़ेंगी, तो वो जो डिसाइसिव इंटेंट है वो नज़र नहीं आती कि फैसला कौन, आइए हम करने लगे हैं, हम तो छोड़ने लगे हैं, देखते हैं आप कैसे इलेक्शन करवाते हैं, चैलेंज तो ये होता है ना, हम देखेंगे आप कैसे इलेक्शन करवाते हैं, वो वाली चीज़ इसमें नज़र नहीं आती, आने वाले दिन शायद उनका राह मुतय्यन कर दें कि वो क्या करेंगे। दूसरा, उन्होंने तज़किरा किया कि हमने जनरल मुशर्रफ को कैसे निकाल बाहर किया, जिस तरह मैंने बीबी का तज़किरा किया कि वो पाकिस्तान आने से पहले उनके कैसे मुज़ाकरात हुए और मुख्तलिफ लोगों से, और फिर एनआरओ की टॉक्स कैसे हुई उनकी मुशर्रफ के साथ, उस वक्त भी रिचर्ड बॉचर और निग्रे पोंटे का नाम आता है, अमरीका की जानिब से असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, उन्होंने क्या रोल अदा किया। जब जनरल मुशर्रफ को पाकिस्तान से रुखसत किया गया तो उस वक्त भी इन्हीं दोनों लोगों का रोल था, रिचर्ड बॉचर और निग्रे पोंटे एक हफ्ता इस्लामाबाद में बैठे रहे थे और डील जो ब्रोकर करवाई थी इन दो लोगों ने करवाई थी, पाकिस्तानी सियासत, पाकिस्तानी सियासी रहनुमा, लेकिन एक असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे वो उसके अंदर जामिन के तौर पर बैठे हुए थे डील करवाने के लिए। उस्मान डार साहब, आज जहाँ हम खड़े हैं और अपोजिशन तो मैदान में है, नून लीग यकीनन आपको गिराना चाहती है, पीपल्स पार्टी इकदार में रहना भी चाहती है और अपोजिशन के मज़े भी रखना चाहती है, क्या बनेगा क्या? देखिए मल साहब, सादा सा सवाल ये है, नून लीग हो पीडीएम हो, आखिरकार आज 2.5 साल बाल बाद ये सारा मामला जो इन्होंने उठाया है बिलखसूस धांधली को ले गए जी, धांधली होगी इलेक्शन में, 2 साल मैं आपको और कौम को बताना चाहता हूँ कोई धांधली की बात नहीं हुई। मरियम सफदर साहिबा का ट्विटर भी हमोश था, वो ख़ुद भी हमोश थी, सारी की सारी पीडीएम हमोश थी, फजल रहमान साहब हमोश थे, अचानक आज ऐसा क्या हुआ पिछले चंद माह में, 4 से 6 माह में कि ये सारा वावेला इस मुल्क में चल रहा है? फजलुर रहमान तो कहते थे कि हमें फजलुर रहमान ने कहा था कि हमें हल्फी नहीं उठाना चाहिए, समझ में नहीं आ रही, जब पहले तो इनको यकीन ही नहीं आ रहा था, जब मेरे लीडर मेरे वजीर आजम प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने फ्लोर ऑफ द हाउस पहले दिन कहा एनआरओ नहीं दूंगा, तो इनका ख्याल था ऐसी बातें कर रहे हैं एनआरओ ले लेंगे, क्योंकि माजी में इनका आपस में मुकमकारा है कौम के सामने, आपने दर्जनों प्रोग्राम किए हैं मलिक साहब इस पे, आज जब इनको यकीन हो गया कि हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से एनआरओ नहीं मिलने वाला, अब ये तहरीक लेके उसके इस्तीफे का मुतालबा कर रहे हैं। आपको ये नहीं लगता कि एनआरओ वाला जो फ्रेज है आपने बहुत ज्यादा 2-2.5 साल इस्तेमाल कर लिया,
अब एक जैसी जगह पर हैं कि आप उस ग्रुप के अंदर रोजाना दिन में 10 दफा भी बोली जाए NRO NRO, आप भी बोल रहे हैं, आप दूसरे आप मुखालफीन भी बोल रहे हैं, मतलब तो आपको मिलने वाला कुछ नहीं। देखिए, हम अपनी गवर्नेंस पे या जो भी बातें अभी आपने कौम के सामने रखी है उस पर तवज्जो दे रहे हैं, हम तो लगे हुए हैं। ये क्या कर रहे हैं, ये आपके सामने कौम के रख रहे हैं, हुकूमत क्यों ऐसे कर रहे हैं? हुकूमत की जिम्मेदारी में दो इश्यूज शामिल होते हैं। एक ये होता है कि वो अच्छी गवर्नेंस दे, लोगों को अच्छा निज़ाम है हुकूमत दे, उनकी जिंदगियों में आसानी पैदा हो। दूसरा, बिलावजह की लड़ाई में उसे नहीं पड़ना चाहिए, तनाव अच्छा नहीं होता सियासी लोगों के लिए। जब हम तनाव को कम करना चाहिए। आप तो सारा दिन कहते हैं आप बैल मुझे मारिए वाली बात करते हैं। देखिए, हम इन्हें कहते हैं आए बैठे, जो भी इनके मुतालबात हैं सुन लेते हैं। पार्लियामेंट से बेहतर कोई फोरम है मलिक साहब? लेकिन पार्लियामेंट में ये आने को तैयार नहीं है। कहते हैं जी के हम सड़कों पे लॉन्ग मार्च करेंगे, धरना देंगे, इस्तीफा लेके जाएंगे। लेकिन मुझे खुशी है मल साहब आज एक बात की कि कम से कम जो मेरे लीडर ने कहा आज से 12 साल पहले ये इकट्ठे हो जाएंगे। आपने कौम को सुनाया भी कि एक दूसरे के बारे में किस तरह की राय रखते थे। मियाँ नवाशी साहब, बेनज़ीर जो भुट्टो शहीद है, उनके लिए क्या जुबान इस्तेमाल करते थे, एक दूसरे के लिए क्या था माजी में, किस तरह दस्तगिरबान थे नवे की राय से लेके 2013 के इलेक्शन तक। लेकिन आज ये सिर्फ इकट्ठे इसलिए हैं कि इनको पता है कि हमारी करप्शन, अगर हम सड़कों पे नहीं निकलते, अनारकी पैदा नहीं करते, तो हम जेलों में होंगे। मैं आपको पाकिस्तानी, पाकिस्तानी सियासत की जो सच्चाई है वो हमारे सामने सबके रहनी चाहिए। देखे, देखे, मल साहब आपको याद होगा एक जो काफ लीग वाले हैं, काफ लीग वाले वो पीपल्स पार्टी को अपने बाप का कातिल समझते थे, यही समझते थे ना। आपको अगर पता नहीं याद है कि नहीं, फिर वही परवेज लाई साहब डिप्टी वजीर आजम रहे जरदारी साहब के साथ, साथ शामिल हो गए। उसी परवेज लाई को आप सबसे बड़े चोर और डाकू कहते थे, उसी परवेज लाई को आप साथ शामिल इकतदार हुए, काफली के साथ इतिहाद किया, पंजाब में उनको स्पीकरशिप आप ही ने दी। देखिए, हम परवेज लाई साहब के बारे में क्या कहते थे वो एक साइड, और जो नून लीग और बेनजीर भुट्टो की पार्टी एक दूसरे के लिए कहते थे और कहते नहीं थे, आज आपको इन दोनों पार्टीज की, इनके वर्कर्स की, गली मोहल्ले की सतह के ऊपर जो इनकी तारीख है। अरे भाई, दहाइयों पे आप एमकेएम और काफले के साथ बैठे हैं कि नहीं बैठे, बैठे हैं कि नहीं साथ? लेकिन मल साहब, मैं जो आपके सामने या कौम के रखना चाहता हूँ, ये वो दो जमातें जिन्होंने रूल किया इस मुल्क के ऊपर, एक दूसरे को बेचते रहे हैं। ये काफ लीग ने रूल, ये एक दूसरे को बेचते रहे हैं। काफ लीग ने भी तो रूल किया है ना। आप लेकिन उसके साथ मतलब जो मैं असल बात करना चाह रहा हूँ कि आपको याद होगा कि मौलाना फजल रहमान ने क्या कहा था उस दिन इकट्ठे हो गए जिस दिन हम सब जेलों में होंगे। यही वो दिन था जिसकी वो बात कर रहे थे, यही वो दिन था मैं कौम को बताना चाहता हूँ जिसकी मौलाना फजल रहमान बात करते थे कि इकट्ठे हो जाओ, सड़कों पर आ जाओ। मैं तो असेंबली से बाहर हूं, इस असेंबली को चलने नहीं दूंगा। वो अलग बात है कि जिस असेंबली को ये जेली कहते थे उसी से सदारत का इलेक्शन ये लोग लड़ते हैं। मियार क्या है आजमल साहब, जो हमारे से ये पूछने वाली बात है। लीडरशिप में काफी बड़ी तादाद जो है लोगों की वो टेंटेड है और वो करप्शन के इल्जाम हैं। मसला ये है कि जब आप उनको कहें कि वो करप्ट हैं तो मैं कहूं कि नहीं बड़े ईमानदार हैं, तो ये बात तो सच्चाई नहीं होगी। लेकिन क्या आप सारे लोग ईमानदार हैं, तो ये भी सच नहीं है। नहीं, तो इसलिए आप एक निज़ाम हुकूमत को एक तरीके से आगे बढ़ाएं, एक अदालती निज़ाम को मजबूत करें, जो अकाउंटेबिलिटी प्रोसेस है उसको ट्रांसपेरेंट बनाएं, तो फिर तो आगे चलेगा निज़ाम, ऐसे नहीं चलेगा। देखिए मल साहब, हम करप्शन को एक साइड पर रखते हैं, अभी इनका असल मुतालबा तो धांधली है ना। इनसे पूछा कौन से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में गए हैं, कौन से ट्रिब्यूनल में गए हैं, कौन से हलकों की इन्होंने निशानदेही की है। हमने 2013 में जब 4 हलके मांगे जिसमें मेरा भी हलका था सियालकोट से, हमने निशानदेही की हलकों की, इनका ऑडिट करवा दें, हमने मुतालबा किया। इनकी तरह इस तरह नहीं आगे सड़कों पे, इलेक्शन ट्रिब्यूनल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, आरओस, कहां कहां नहीं हम गए, इन्होंने क्या किया है? ना हलकों की निशानदेही, आपको 4 हलकों पे धरना देने की आजादी थी, तो वो तो पूरे आपके इलेक्शन को चैलेंज करते हैं, उनको आजादी नहीं है। देखिए मल साहब, हम एक प्रोसेस से गुजरे, हम एक साल तक पूरे एक प्रोसेस से गुजरे, इनकी तरह सोए हुए नहीं जागे और आगे हैं जी कि हम सड़कों पे आ गए और इस्तीफा दे कर। तारिक साहब, अपोजिशन अभी तक लगता है कि एक इंटरनली डिवाइडेड है, पीपल्स पार्टी और PMLN जितना वो डिसाइसिवली फैसला कुन तरीके से आगे बढ़ने के लिए आपके अंदर एक यकजहती चाहिए, वो कमी नज़र आती है इश्यूज़ के ऊपर। वैसे तो कल एक कहना चाहिए कि 27 दिसंबर में एक बिल्कुल नया सीन पाकिस्तानी लोगों ने देखा, और सियासत में वो तलखी में कमी आने के लिए एक बहुत अच्छा मरला है कि वो गड़ी खुदाबख्श में वहीं पे बिलावल भी तकरीर कर रहे हैं, तो वहाँ मरियम PMLN से भी तकरीर कर रही हैं, तो एक अच्छी जेस्चर है, अच्छा एक शगुन है। लेकिन इस्तीफे में आप इकट्ठे होंगे, साथी होंगे या नहीं होंगे, इसके ऊपर अभी क्वेश्चन मार्क है।
बहुत शुक्रिया नदीम मलिक साहब मधु करने का। मैं ज़रा मुख्तसर पहले अपने भाई उस्मान डार साहब का जवाब दे दूं, मैं फिर आपके सवाल की तरफ आता हूं। बात यह है कि ये वक्त किसकी रौनत पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में, आज पार्लियामेंट का नाम लिया जा रहा है, आज पार्लियामेंट का फ्लोर ऑफ द हाउस याद आ गया, आज पार्लियामेंट याद आ गई, वो मुकद्दस ऐवान याद आ गया, आए बैठे बात करें। ये बहुत जल्द सफ़र तय हुआ है NRO नहीं दूंगा से लेके मुझे NRO दे दो तक का। इनसे पूछे ना परवेज़ खटक ने क्यों हमारे एक मरकजी रहनुमा से राबता किया लाहौर जलसे से पहले और क्यों कहा कि आप हमारे साथ बैठें और मामलात के ऊपर बातचीत करें, जब कोरोना था बातचीत नहीं की, जब हम मिसाके मईशत की बात करते थे बातचीत नहीं की, टड्डी दिल पे बातचीत नहीं की, कश्मीर के ऊपर बातचीत नहीं की, किस मुखमका की बात करते हैं? वो मुखमका जो परवेज़ इलाही को सबसे बड़ा डाकू कहने के बाद किया, वो मुखमका जिसमें शेख रशीद को चपड़ासी कहने के बाद किया, वो मुखमका जिसमें MKM को कातिल करने के बाद उनको साथ बिठाया सिर्फ इक्तदार की हसूल की खातिर। अगर आज इक्तदार की मजबूरी ना हो और फेडरल गवर्नमेंट 10 सीटों पर कायम ना हो और पंजाब हुकूमत 6 सीटों पर कायम ना हो, तो मैं यकीन मानिए ये उनकी शक्लें देखने के रवादार नहीं हैं, ये उनके नाम बिगाड़ते हैं, ये उनको बुरा भला कहते हैं पीछे से। अब सिर्फ मजबूरी ये है कि लोटों के बगैर हुकूमत कायम नहीं रहती, जिनको कोई नहीं लेता था उनको आज नॉन इलेक्टेड होते हुए वजीर बनाया हुआ है। फिरदौस आशिक के बारे में क्या कहा करते थे, जो वो जनूबी पंजाब महाज है जिसको जनूबी पंजाब का सूबा बनाने के लिए शामिल किया, वो तस्वीरें तो दिखाएं। आप शुरू हो जाएं मेरे अंकल नसरुल्लाह खान दृशिक से और ख़त्म करें आके आप खुसरो बख्तियार के ऊपर कि ये कौन लोग थे और ये किस तरह इस जमात में शामिल हुए हैं। मुझे आप बता दें कि इनकी काबीना में PTI के नजरियाती लोग कितने हैं। आप यकीन मानिए ये वही लोग PTI में वैसे शामिल हुए हैं जैसे ये PMLN में शामिल हुए थे। खुसरो बख्तियार तो फिर जनरल मुशर्रफ के साथ थे ना, फिर आप या तो अपने साथ ना उनको बिठाते। हम तो कोई मलिक साहब हम तो कोई तब्दीली का नारा नहीं लेके आए थे, हमने तो इस तरह के बुलंदोबाग दावे नहीं किए थे। आज आप मईशत का हाल देख लेना, इनका एक एक ऑब्जेक्टिव था और ये कहते थे कि जी हमारी एक ही अचीवमेंट है कि हमने जो तजारती खसारा है उसको ख़त्म किया है। आज 6.9 का उसमें इजाफा हुआ है खसारे में, आज आपकी एक्सपोर्ट्स कम हुई हैं। आप अगर नज़र दौड़ाएं ओवरऑल जुलाई से नवंबर तक 7% का डिक्लाइन है, टेक्सटाइल सेक्टर 6%, फूड सेक्टर 15%, पेट्रोल सेक्टर 62%। अब मैं आपके जवाब की तरफ आता हूँ कि मुख मका और ये जो बातें हैं ना, ये अब लोग बहुत सियाने हो गए हुए हैं, हमें अब इससे आगे चलना चाहिए। क्योंकि हमने तो नहीं कहा था कि महंगाई तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर हों, बेरोजगारी तब बढ़ती है जब हुक्मरान चोर हों, कर्जे तब बढ़ते हैं जब हुक्मरान चोर हों। इस्तीफे तो वाले सवाल पे आ जाएंगे तो फिर पुरानी बातें आप दोहराई जाएंगे तो पूरा प्रोग्राम भी इसमें हम निकाल सकते हैं। लेकिन इस्तीफों के ऊपर आप और पीपल्स पार्टी क्या है अभी तक इकट्ठे या सेकंड थॉट्स हैं पीपल्स पार्टी के अंदर जो हावी हो रही है? मगर मलिक साहब ये याद दहानी इसलिए जरूरी है कि इसी रियासत मदीना में अभी परसों एक मिनिस्टर एक्साइज ने सरकारी पैसों पे सरकारी प्रोटोकॉल पे शादी की है। यही रियासत मदीना है जिसमें एक गवर्नर ने अपनी शहाना कश्ती में एक झील के अंदर बैठ के एक मीटिंग की है। ये बातें ज़रूरी हैं आवाम को बताना। अब मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। देखिए PDM की डिफरेंट इशूज़ के ऊपर मुख्तलिफ अप्रोचेज हो सकती हैं, थी हो भी सकती हैं, मगर जो लाहे अमल तय किया गया है इस्तीफ़ों पर सब मुत्तफिक हैं। और मैं आपको एक और बात बताऊं, अगर आप ये देखें कि अगर कोई शख्स इससे पीछे हटेगा या कोई पार्टी इससे पीछे हटेगी तो अवाम के अंदर उसकी मकबूलियत सफ़र करेगी, इसका इम्कान कोई नहीं है। मगर अब जितना आगे PDM जा चुकी है, अब ये वैसे आप सिर्फ डराने वाली बात कह रहे हैं कि जो पीछे हटेगा उसकी अवाम में मकबूलियत खराब हो जाएगी। पीपल्स पार्टी को बाकी पाकिस्तान में उसकी मकबूलियत से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, इसलिए कि रूरल सिंध के अंदर दे विल स्टिल विन और वहाँ से उनकी स्ट्रॉन्ग होल्ड बरकरार रहेगी। बाकी अर्बन एरियाज़ के अंदर पंजाब में बाकी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी अब वैसी शोहरत नहीं रखती जैसी मोहतरमा के ज़माने में थी, तो वहाँ उनको ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा कि वो हार रहे हैं या जीत रहे हैं। पंजाब में कितनी सीटें वो वैसे जीत जाएंगे। देखिए मलिक साहब, बात यह है कि PDM ने जो एक मूवमेंट का आगाज़ किया, ये तो बड़ा इस पे ब्रेक ले लें जी, ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पे इसका जवाब आपसे तारर साहब ले लेता हूँ, ब्रेक ले लें हमारे साथ। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। हमने एक आमना सामना तैयार किया है इमरान खान और मरियम नवाज़ के बयानात में से कुछ हिस्सा निकाल के आपको दिखाते हैं, फिर इसके ऊपर और बात भी करेंगे। दिखाइएगा जी।
फौज को कहते हैं कि अगर आर्मी चीफ इलेक्टेड हुकूमत को नहीं गिराता तो फौज उसको हटा दे। हम फौज को नहीं कहते कि इसकी हुकूमत का तख्ता उल्टो, हम सिर्फ सिलेक्टर्स को कहते हैं कि इससे पीछे हट जाओ। अगर इन चोरों को किसी हुकूमत ने एनआरओ दिया तो वो इतनी बड़ी इस मुल्क से गद्दारी करेगा कि दुश्मन वो काम नहीं करेगा जो वो हुकूमत करेगी इनको चोरी को माफ करके। तुम जानते हो कि तुम्हारी औकात और हैसियत अब एक एनआरओ देने वाले की भी नहीं रही। इनके जो दो बच्चे अब तुम्हारे से उम्र में आधे हैं, बच्चे तो नहीं है। तो इन दोनों से अगर कोई पूछे कि आपका जॉब एक्सपीरियंस क्या है तो वो कहेंगे जी हमारे दोनों के बाप पाकिस्तान के करप्ट तरीन आदमी थे। जब ये बच्चे तुम्हें ललकारते हैं तो अपने बड़ों के पीछे छा के छुप जाते हो और कहते हो कि ओहो मुझे इन बच्चों से बचाओ, ये बच्चे मुझे लेके बैठ जाएंगे। इदारों को इतना ब्लैकमेल करें कि किसी ना किसी तरह प्रेशर मेरे पे डालें कि इनकी चोरी के लिए हम इनकी चोरी माफ कर दें। एक पेज की रट लगाकर जितना तुमने फौज को बदनाम किया शायद ही पाकिस्तान की तारीख में किसी ने किया हो। डॉक्टर साहब, ये फौज का तस्करा हमारी सियासत में कुछ ज्यादा शुरू हो गया, चाहते ना चाहते हुए भी कम होना चाहिए। देखिए मल साहब, असल माजी में ये खुद चोर दरवाज़ों से घुसते रहे हैं इकतदार में, और आज शायद ये समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान भी हमारी तरह ही जिस तरह हम चोर दरवाज़ों से घुसते रहे हैं आ गए हैं। देखिए आपके सामने है, पूरी कौम के सामने है, मेरे लीडर ने 22 साल स्ट्रगल किया, 22 साल जो इनकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, यही तो इनसे पूछ रहे हैं कि आप दोनों आके बैठ गए हैं, एक ले आया क्या कहते हैं वो वसीयत जी, पार्टी मुझे वसीयत में मिल गई है आपको, और कौम को याद होगा एक पर्ची निकल आई थी। दूसरा जो बेटी हैं वो कह रही हैं अब्बा जी बाहर चले गए हैं इसलिए पार्टी की मालिक मैं हूँ। अभी तारड़ साहब ब्रेक से पहले एक सवाल कर रहे थे, जो जो पीछे हटेगा, अगर तारड़ साहब मुझे सुन रहे हैं मैं इन्हें बताना चाहता हूँ, सबसे पहले तो इस्तीफों से शहबाज शरीफ साहब पीछे हट रहे हैं। शहबाज शरीफ साहब हश पे मुलाकातें कर रहे हैं, मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं, कहाँ वो इस्तीफों की बात कर रहे हैं, ये पूछे इनसे जरा जो ये बात कर रहे हैं जो जो पीछे हटेगा। अगर इनको खौफ नहीं है कि इनको इस्तीफे नहीं मिलेंगे तो क्यों थ्रेट कर रहे हैं अपने पार्लियामेंटेरियंस को कि जो जो इस्तीफे नहीं देगा उनके घरों का घेराव करेंगे। दूसरी तरफ JUI फे में आपने देखा जो हो रहा है, जो उसके अंदर से आवाजें उठना शुरू हो गई हैं, खुद सिलेक्टेड की हम नहीं कह रहे हैं। इसी तरह से इसका जवाब ले लें, पहले इस्तीफों वाला जवाब ले लें, बताइएगा जी। पहले तो वो कह रहे हैं शहबाज शरीफ है, वो अपनी ख्वाहिश से मिले, और इस्तीफों के ऊपर वो कहते हैं वो शहबाज भी आपके साथ। शहबाज शरीफ साहब को मैं हफ्ते के दिन मिल के आया हूँ, मेरी बतौर वकील उनसे मुलाकात हफ्ते में एक बार हो जाती है, तो ये बड़ी क्लियर बात है, और मैंने उनके बिहाफ पे स्टेटमेंट इशू की है कि वो मुलाकात मोहम्मद अली दुरानी साहब ने अपने ताई की, नंबर वन। नंबर टू, शहबाज शरीफ साहब ने मेरे से एक ही बात की कि मैं PDM को दुरानी साहब ऐसे पैगाम क्या लेकर आए थे ये तो बता दें, और किसका पैगाम था? मरियम नवाज तो कह रही है कि दुरानी साहब ने खुद कहा ना जी, देखिए उन्होंने ग्रैंड नेशनल डायलॉग की बात की, इसके अलावा और क्या बात थी? और दूसरी बात यह कि शहबाज नेशनल डायलॉग का वो वादा किसकी तरफ से, पैगाम किसकी तरफ से लेकर आए? मोहम्मद अली दुरानी कौन है, किसकी बिहाफ पे वो ग्रैंड नेशनल डायलॉग करा सकते हैं? वो PTI तो नहीं है, कोई बड़ी पार्टी भी नहीं है, क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के पैगाम पर थे? उन्होंने जो बताया खुद जो दुरानी साहब ने, उन्होंने कहा जी मैं पीर पगाड़ा साहब की तरफ से आया हूँ, अपनी जमात की तरफ से आया हूँ, ये पैगाम लेके आया हूँ, ये उन्होंने क्लियर बताया। मगर जो ग्रैंड नेशनल डायलॉग की उन्होंने बात की उसका एक ही जवाब था कि हम PDM के बयानिए को मजीद तकवीत देना चाहते हैं, PDM को मजबूत देखना चाहते हैं, PDM को मुतहद देखना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, शहबाज शरीफ ने उसका जवाब क्या दिया? उनके तवसत से बता दूं, उन्होंने कहा जी मैं PDM का जो बयानिया है, PDM की जो तहरीक है, मैं इसके साथ हूँ, इसकी तकवीत मजीद मिले, मैं इस चीज़ का ख्वाहिशमंद हूँ। और ना वो शहबाज शरीफ साहब की ख्वाहिश में मुलाकात हुई, ना उसमें कोई ऐसी बात हुई, और उन्होंने बड़ा क्लियर किया कि PDM जो है वो उसकी मूवमेंट को मजीद जो है वो मजबूत देखना चाहते हैं, नंबर वन। नंबर टू, आपके शो के तवसत से अवाम को बता दूँ, 160 हमारे MPs हैं, मेरे पास इस वक्त इसी दफ्तर में ऊपर 159 MPs के इस्तीफे आ गए हैं। एक हमारी खातून पिंडी से मुनीरा यामीन सत्ती वेंटिलेटर पे हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, वो एक नहीं आया, बाकी इस्तीफे आ गए हैं। NA का भी यही हिसाब है जिसमें तमाम लीडरशिप के इस्तीफे आ चुके हैं। तो ये देखें ना, ये चीज़ हम डील करें, हमें बेहतर पता है, आप इससे क्या सारा इसे परहेज करें,
अगर ना आए होते तो अभी वबेला मचा होता कि जी इतना फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, इनकी कारकर्दगी कोई नहीं, इनके साथ जाने को कोई तैयार नहीं है, उनको पता है कि हल्के में भी जो है वो लोग बुरा भला कह रहे हैं, परफॉर्मेंस है नहीं, तो हमने जो है वो कल को अपनी सियासी सर्वाइवल को खतरे में डालना है इनके साथ जाके। और पीपल्स पार्टी से कितने लोगों ने अभी तक इस्तीफे जमा कराए? देखिए वो मैं अपनी जमात का जवाब दे सकता हूँ, उनके भी देखिए पंजाब के अंदर मेरे ज़ाती इल्म में है कि वो 7 में से 4 लोगों ने जमा करा दिए थे, उनके पार्लियामानी लीडर का आ गया था, उधर से सीनियर अराकीन है शैला रजा साहिबा का आ गया, और वो भी मतलब इस पर लगे हुए हैं, और मैं समझता हूँ कि जब हतमी इसका ऐलान किया जाएगा तो मुझे लगता है कि ये बड़े अच्छे नंबर्स में इस्तीफे मौजूद होंगे, और हमारे पास बाकायदा इस्तीफे इस वक्त हार्ड कॉपीज हमारे पास आ चुकी हैं मुस्लिम लीग नून की, इसमें कोई किसी किस्म का इशू नहीं है, बल्कि तवक्को से बढ़ के लोगों ने इसमें जो है बढ़ चढ़ के इस्तीफे दिए हैं और खुशी से दिए हैं। बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया डार साहब, इस्तीफे देने के लिए बाकायदा गर्मजोशी पाई जाती है। काश मैं आपको वो क्लिप भेज सकूँ मिस्टर बीन का। मिस्टर बीन क्या करते हैं, एक खाली एनवलप को लेते हैं, मैं दिखा देता हूं, कहते हैं टीवी प्लीज दे? अगर आप कौम को दरवाजे के बाहर जाके अंदर मैं आपका शुक्र गुजार हूँ मल साहब, अगर आपकी टीम वो मिस्टर बीन का सीन दिखाए जो पीडीएम है एक्चुअली। लेकिन आपको पाकिस्तानी सियासत में और मिस्टर बीन में थोड़ा बहुत तो कोई रखरखाव का ख्याल रखना चाहिए, पाकिस्तानी सियासत को कॉमेडी प्रोग्राम तो नहीं है, कुछ बाईस लोगों का ख्याल रखें। पीडीएम भी इस वक्त कौम के लिए एंटरटेनमेंट बनी हुई है, इनके मजायका हेज बयान आप सुनते नहीं है जो आए रोज आ रहे हैं, अगर अगर तो मैं अप्रिशिएट करूंगा और वो दिखा सके। एग्जैक्टली ये वही कर रहे हैं, खाली एनवलप में चीजें डालते हैं, घर के बाहर से जाते हैं, दरवाजे के अंदर से जाके अपने आप को दे देते हैं। इनसे पूछे बाबा इस्तीफा, ये लॉयर हैं, एक तो मुझे अता ताड़ की 100% लॉ की डिग्री पे मैं इन्हें चैलेंज कर रहा हूं, किसी अगले प्रोग्राम में डिग्री साथ लेके आए, इस बंदे को लॉ की एबीसी का नहीं पता, मैं आपको बताऊं कैसे बात कर रहे हैं, इनको पता होना चाहिए इस्तीफे कैसे दिए जाते हैं, इस्तीफे दिए जाते हैं स्पीकर के नाम, मैं और इस्तीफा वो होता है जो स्पीकर को जमा कराया जाए। अगर मेरे पे जाती हमला करेंगे मेरे भाई, सब खेल रहे हैं कानून पे, मुझे चैलेंज करना समझते हैं ये, क्योंकि मुझे पता है दो लोगों ने कि मजाक इन्होंने दो लोगों ने इस्तीफा दिया, भाग गए हैं आप 2014 में, की जरूरत ही नहीं है इनमें, उन दो लोगों को कहे जाओ यार अब इस्तीफा दे दिया दे दो जाओ, कम अज कम हमारा कोई ख्याल करो, तबाहोगे रह गए वो दो लोगों के बयान की वजह से, ये पूरी की पूरी पीडीएम, हमने 14 में इस्तीफे दिए स्पीकर साहब को जमा कराए, आलम ये था कबूल हो गया, आपने कहना था आलम ये था, जावेद हाशमी ने एक जावेद हाशमी ने कहा था उसके अंदर कि मैंने दिया जी इस्तीफा, उसका कबूल हो गया, आप लोगों ने कहना था ना जाके, खुर्शीद शाह साहब का बयान रिकॉर्ड पे कहते थे इस्तीफे कबूल नहीं करवाने सर ना, उसके बाद होता क्या है एक एक करके बुलाते हैं कि इमरान खान ने प्रेशराइज करके तो नहीं इस्तीफे दिलवा दिए, सर जी तनखा भी लेते हैं तो ये क्या ड्रामा लगाया हुआ है इन्होंने इस्तीफों का, आपस में इस्तीफे और लतीफे बांट रहे हैं, अब पता नहीं, बताइए तारण साहब आपकी आपकी डिग्री पहले बताइए सही है कि नहीं, मैं कोई जाती एक्सप्लेनेशन उस्मान डार नामी शख्स को ओ नहीं करता, मैं जितना मैंने लॉ किया है जो मेरा बैकग्राउंड है मैं किसी को इसका जवाब दे नहीं हूं, मेरी डिग्री मैं इनको चैलेंज करता हूं यूनिवर्सिटी ऑफ नहीं नहीं मैं मेरी अर्थ तो सुन लेना, अब आपने बात कर ली ना, मैं समझता हूँ आपने लॉ किया होगा लेकिन आपकी बातों से वो कानून रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, आप टाइगर फोर्स के हेड हैं, मुझे बता दें टाइगर फोर्स किस कानून के तहत बनी है, मैं आपसे पिछले 2 महीने से पूछ रहा हूँ, आपके पास कोई जवाब नहीं है, आप मेरी डिग्री पे तो आ जाए ना, मुझे मैं आपको मेरी बात साथ साथ बताएं किस कानून के तहत आपने टाइगर फोर्स बनाई है, आपको ये तक नहीं पता आप हेड बने हुए इस फोर्स के, मुझे आप बातें करते हैं कैसे जाता है, और भाई मेरे बता दो इस्तीफा कैसे दिया जाता है, पता चल जाएगा आपकी लॉ की डिग्री ठीक है कि नहीं। नदीम मलिक साहब हमने जो कानूनी तकाजे हैं वो पूरे किए हैं, हैंड रिटन इस्तीफे आए हैं, बता दो मेरे भाई को, सुनना चाहती है क्या है अभी पता चल जाएगा, अगर देखें अगर इस तरह फिर आप मुझे बात करके दिखा ले पूरे शो के अंदर, आपने अगर मॉडरेट करना है तो मैं भी मॉडरेट करना खूब जानता हूं और आपसे अच्छा जानता हूं,
मैं आपको फिर पूरा शो मॉडरेट कर लें आप, मैं देखता हूं आप किस तरह बोलते हैं पूरे शो के अंदर, मैं भी देखता हूं आपसे सात आठ मतलब ये कोई तरीका है आपका? मैं जब अपना दलाल दे रहा हूं कैसे दिया जाता है, बीच में बार बार टोकेंगे, भाई मुझे सुन रहे होंगे पाकिस्तान के, मैं भी आपको बोलने नहीं दूंगा, जब आप जवाब देंगे वो समझ जाएंगे कि आप जी वो सुन रहे हैं, वो आप पहले जब देख रहे हैं, मेरा लेजर भी देख रहे हैं, और वो ये भी देख रहे हैं कि किसने टीएडीए लिए थे, किसने दवाइयों तक के बिल लिए थे, किसने अयाज सादिक के हाथ जोड़े थे कि हमारे इस्तीफे मंजूर ना करना, इस्तीफा दिया कैसे जाता है कि सॉरी जी मैं मलिक साहब अगर इनको चुप करा दें, इस्तीफा इस तरह दिया जाता है, सवाल है असली तौर पर, सवाल सही है, 2014 में आपने भी यही कुछ किया था, तनख्वाहें भी वसूल की थी, मैं पहले चाहता हूं नहीं देखिए देखिए पार्लियामेंट पे लानत भेजी उसके बाद मैं विटनेस हूं कि शीरी मजारी और शाह महमूद कुरैशी ये अयाज सादिक साहब के दफ्तर गए कि आप हमारे इस्तीफे मंजूर मत करें, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप अगर मुझे मौका दें तो मैं बता देता हूं, नौसरबाजी जो की है ना आप लोगों ने, मैं देखिए हमने जो इस्तीफे लिए हैं उसमें एक तो नंबर वन ये रिक्वायरमेंट है कि इस्तीफे हैंड रिटन हो, स्पीकर को एड्रेस्ड हो, और उसके अंदर जो कानूनी सारे कवायद और जवाबत हैं वो पूरे किए गए हैं, हमारे पास मौजूद हैं, ये हमारी मर्जी है हमने कब सबमिट करने हैं, जब भी पीडीएम इसका ऐलान करेगी, इन्होंने जो मिन्नत तरला किया पार्लियामेंट पे लानत भेजी, और मैं यकीन मानिए शाह महमूद कुरैशी और शीरी मजारी दोनों जिंदा हैं, पूछ लें अयाज सादिक के दफ्तर जाके मिन्नत की कि इनको एक्सेप्ट ना करें, जब इनको अकेले में बुलाया जाता था ये तनख्वाहें भी लेते थे, ये टीएडीए के बिल भी लेते थे, और उसके बाद जो है तरले भी लेते थे कि जी हमने हमारे इस्तीफे मंजूर ना कीजिएगा, और मुझे जो ये चैलेंज कर रहे हैं ना जी, मैं आप इनको चैलेंज करता हूं, इनकी जो डिग्री है उस बारे में शदीद जो है वो तहफ़ुज़ात और शक व शुबात पाए जाते हैं, मैंने तो चले लंदन से डिग्री ली है ना, मेरा तो इदारा मेरे साथ खड़ा होगा, मेरा तो इदारा मेरे साथ खड़ा होगा, और वो सेनेट हाउस है लंदन में, जो तलीमा से ली है डिग्री जिस फोरम पे कहोगे मैं लेके आ जाऊंगा, लेकिन आप अगर वो उस स्ट्रीट के शायद आपको उस स्ट्रीट के स्पेलिंग भी ना आते हो जहां से मैंने डिग्री ली है, आप छोड़ दे इस बात को, आप छोड़ दे इस बात को, कानून जो है ना ये बादशाहत नहीं है आप लोगों की, कानून जो है ना पाकिस्तान में, कानून आपके घर की, कानून आपके घर की लॉन्डी नहीं है कि जिस तरह आप कहें लाखों वोट लेके चले हलकों से, तो आपने वोट नहीं लिया, नहीं तो हम आपके एमपीएस ने वोट लिए हैं, इसलिए उनकी मुशावरत से उनकी मर्जी से एक फैमिली ने पौने दो लाख वोट लिए हैं, स्पीकर हम पौने दो लाख वोट लेके आए हैं, आप तो चले, आपका तो चले, अपने सारे पैनल की सीटें हारे हैं ना, दे रहे 2014 में आपने भी तो ऐसे किया था, उसी बात का उसको ताना दे रहे, लेकिन हमने ऐसे ड्रामेबाजी, हमने तो भी जमा कराने हैं, इन्होंने जमा करा के तरले लिए कि जी ना करें, उसके पास चले गए, उसके पास चले गए, आपने कैसे इस्तीफे दिए थे 2014 में, याद है आपको? आपने तो देख के ये किया ना, हमारे तो भी पार्टी के आदर के पास है, तो ये जमा कराएंगे मुनासिब वक्त पे, स्पीकर के पास आपने जमा करा के मिन्नत तरला किया, फारिग हो गए थे 2014 में, हाथ जोड़ रहे थे कि ना जाए ना जाए ना इस्तीफे कबूल करे मल साहब, एक दिन कह देते ना स्पीकर को तो नहीं थी, शेख रशीद ने तो इस्तीफा भी नहीं था दिया, उन्हें डर था कि उनका फौरन ही कबूल हो जाए, मुझे खुशी आज साबित हुआ लाख का स्टूडेंट नहीं है मेरा, मैं ब्रेक ले लूं, लेकिन ये सियासत संजीदा मामला है, इसको इस तरीके से तानो तशनी में अगर गुजारेंगे तो हल नहीं निकलेगा, एक ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिए, प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। तारिक साहब आपका मुझे एक मैसेज आया है, मैं स्क्रीन पे तो नहीं डाल सकता उस चीज़ को, आप अपने लफ्ज़ों में उसके ऊपर डार साहब को कुछ कहना चाहते हैं तो ज़रूर कह सकते हैं। मैं उस्मान डार साहब को आज ये चैलेंज करता हूँ कि इन्होंने क्लेम ये किया 2013 के नॉमिनेशन पेपर्स में कि इन्होंने एमबीए की डिग्री की शिलर इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी लंदन से, वो जो यूनिवर्सिटी है वो बोगस डिग्रियों के हवाले से दुनिया भर में जानी जाती है, इन्होंने 2018 के जब पेपर जमा कराए तो अपने एमबीए की डिग्री डिक्लेयर नहीं की। मुझे मेरे तीन सवाल हैं, आपने 2018 में वो डिग्री एमबीए की डिक्लेयर क्यों नहीं की, सिर्फ पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री क्यों डिक्लेयर की? नंबर टू, आप मुझे अपने एमबीए के सेशन के 7 क्लास फेलोज या स्टूडेंट्स के नाम बता दें, और मुझे ये बता दें कि आप जब इंटरनेशनल शिलर यूनिवर्सिटी में थे आप कौन से सेशन के अंदर थे, और 3 प्रोफेसर साहबान का नाम बता दें जो आपको पढ़ाते हैं, क्योंकि इंटरनेट बड़ा बड़ा है, डूबियस डिग्री इश्यूज, मान डाल अपने बाप का बेटा है ना, तो मल साहब कल मेरी डिग्री पे प्रोग्राम होगा, कल ही होगा,
और ये जो मेरा भाई कह रहा है ना कि मैंने 2018 के पेपर में क्यों नहीं लिखा, मतलब साहब मेरे पास फॉरेन डिग्री थी, मैंने HEC को सर्टिफिकेशन के लिए दी थी, सर्टिफाई करने के लिए, लिहाजा वो मुझे सर्टिफिकेशन लेटर नहीं मिला, मैंने BA की डिग्री लगा दी। ये जिस यूनिवर्सिटी को जेली कह रहे हैं, एग्जिट टाइप यूनिवर्सिटी कह रहे हैं, वो आज भी 60 साल से एग्जिस्ट कर रही है, अगर आप गूगल करें आपको मिल जाएगी। अगर आप मेरे भाई भागना नहीं है, मेरे सवाल के जवाब दे देना, मैंने तीन सवाल किए हैं, शेर है ना मेरे, अभी दे देना आपको भी साथ, आपको भी साथ क्लास फेलो याद होंगे, अपनी डिग्रियां ला के लाएंगे, कोई तीन प्रोफेसर याद होंगे, मेरे सवाल के जवाब दे दे, अगर मुझे याद है, मुझे याद है मैंने जो डिग्री की है, मुझे तो अपने सारी चीजें याद है, आप अभी बता देना, कल तक बात क्यों डालते हैं, कल तक क्यों डालते हैं, इसका एक तरीका होगा आप HEC वेरीफाइड अपनी जमा करवा दें और दावला तारण अपनी HEC मैं यहाँ स्क्रीन पे डाल दूंगा, डन डन, मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा, मैं नहीं, मेरे तीन सवाल थे, आप भागे ना, पूरी PDM झूठी है, मेरे ये मेरे तीन सवाल थे, पूरी PDM उसका जवाब दे दे, आप अपनी प्रोफेसर डिग्री देंगे MBA की, हाँ ताला तारे आप भी देंगे, आएंगे जी, मैं दूंगा जी, मैं तो मैं एक दफा नहीं, मैं 10 दफा दूंगा, मगर मेरे 3 सवाल थे, उस तक कल का वेट क्यों करते हैं, मुझे बताएं कि जी ये 7 लोग हैं जिनके साथ मैं पढ़ता रहूं, ये उनके एड्रेसेस हैं, मुझे बताएं कि जी 3 ये प्रोफेसर साहिबान हैं जिनसे मैं पढ़ाऊं, कल तक इंतजार क्यों करते हैं, अगर डिग्री वाकई की है तो अभी बताएं, मैं फॉरनर से मैं उनकी पिक्चर्स ले आऊंगा, डिग्री लेते हुए तस्वीरें ले आऊंगा, तसल्ली रखे, लेकिन अभी बता दे, मैं मरियम सफदर की तरह किसी को अपने क्लास फेलो भूलते हैं, मैं किसी को अपने क्लास फेलो भूलते हैं, किसी को अपने प्रोफेसर भूलते हैं, किसी को अपनी, मैं मरियम सफदर और मियां नवाजी की तरह जैली कतरी खत नहीं लेके आऊंगा, आप छोड़े, अगर वाकई मर के बचियो, कल मैं सब प्रोग्राम करना, आपको याद ही नहीं है, आपने आपको मैंने कहा 7 क्लास फेलो बताते मुझे यूनिवर्सिटी के, किसी वेरीफाइड कॉपीज आप देंगे, नहीं अभी बताएं ना, प्रोग्राम तुम कर लेंगे, घबराना आपको, मुझे नहीं घबराना, प्रोग्राम तुम कर लेंगे, अभी जवाब क्यों नहीं दे रहे मेरे पाकिस्तानियों, कल प्रोग्राम हो रहे क्यों नहीं दे रहे, फिर आप कौम से माफी मांगेंगे, जेली कतरी हद पे, आप जेली पे जवाब दे दें, जेली कैलबरी फॉर्म पे, और तुम लोग हो ही जेली, नहीं नहीं मुझे लीडर जेली है, बाहर छोड़ो, कैलबरी को पुरानी बात हो गई, तारर साहब, तारर साहब आप अपनी बात करें, और भाई तुम लोगों की जेल साजियों की बात कर रहा हूँ, कल मैं तो अपना आप क्लियर कर दूंगा, मल साहब के मैंने 3 सवाल किए थे, आपने कल तक मोहलत मांग लिया, जवाब देने से आप कासे रहे हैं, जवाब देने से आप कासे रहे हैं, जवाब तो आपने मेरे भाई दे दिया, मैंने और कैसे जवाब दूं दुनिया में, मुझे तो लग रहा है कि आप क्या जवाब दिए, मैं कल बताऊंगा, मेरे साथ फॉरनर थे, जबरदस्त जवाब किया है, मैंने कहा कल भी नहीं आराम होगा, आपको नाम ही नहीं याद, आपको प्रोफेसर साहिबान का नाम नहीं याद, ये कल ही मल साहब क्लोज करेंगे, उस्मान डार साहब और तावला तरर साहब आपका बहुत शुक्रिया, इसरार किया है कि मैं वो मिस्टर बीन वाला क्लिप दिखाऊं, लेकिन मैं मेरा ख्याल है नहीं दिखाऊंगा, ये बाकी नहीं, आपने जो कुछ पहले ही कर दिया इसके ऊपर मजीद कुछ नहीं हो सकता, प्लीज मल साहब प्लीज चंद सेकंड, आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।